देखिए स्टूडेंट, आईआईटी मेन 2013 का जो पेपर हमने सोल्व किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 85 में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो इसको दोबारा देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या था, ये एक पी मैट्रिक्स दे रखी है जो एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल थी, ए का डेट क्या था 4, और हमें फाइंड आउट करनी थी अल्फा की वैल्यू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो इसमें हमें क्या करना था, एडजॉइंट ऑफ ए के डेट का जो रिलेशन है उसके डेट के साथ वो क्या होता है, डेट की पावर एन माइनस वन। एन यहाँ पर क्या होता था, जो भी मैट्रिक्स है यहाँ पर, ये जो मैट्रिक्स है ये 3x3 ऑर्डर की है, तो एन की वैल्यू होती थी जितने मैट्रिक्स की ऑर्डर है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो एन की वैल्यू। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डेट इज इक्वल टू कितना आएगा, डेट ए का यहाँ पर क्या रख देंगे 3, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए का डेट कितना है 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16। अब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, डेट, क्योंकि ये किसका एडजॉइंट है, ए का, तो डेट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू ऐसे प्रोडक्ट माइनस ऐसे ऐसे प्रोडक्ट 12 माइनस ऐसे प्रोडक्ट 12। अब फर्स्ट रो कॉलम कौन सा हो जाएगा, सेकंड, इसको हटा दीजिए, कॉर्नर एंट्री क्या आ रही है अल्फा, इसके साथ क्या लगेगा माइनस, इसको हटा दिए, इसको डिलीट, 4 माइनस 6 प्लस, अब ये रो ये वाली कॉलम कॉर्नर एंट्री 3 ऐसे प्रोडक्ट 4 माइनस 6 ये कितना हो गया 0, इसकी माइनस अल्फा ये वाला 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया माइनस 2 और 4 में से 6 को माइनस 2 ये कितना आ जाएगा प्लस 2 अल्फा, ये कितना आ गया माइनस का 6 और ये एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कितना है 16 इज इक्वल टू में क्या हो गया 16, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6 को उधर ले जाइए 16 प्लस 6 2 अल्फा इज इक्वल टू 22 एंड अल्फा इज इक्वल टू 22/2 इज इक्वल टू 11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11। वहाँ पे हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर जो एरर की थी उसमें यहाँ 4 रखने के बाद हमने यहाँ पे 4 ही कर दिया था, इसका स्केयर नहीं किया था तो यहाँ 4 रख दिया था। तो ये ध्यान रखे, यहाँ पर डेट ए का स्केयर आता 4, 4 का स्केयर क्या आएगा 16, तो आपने इक्वल टू में 16 रखना है न कि 4 रखना है।